छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 78 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, लेकिन शेष बची 12 सीटों पर नामों का ऐलान नहीं होने से दावेदारों की दिल की धड़कनें बढ़ गई हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने एक मंत्री सहित कई विधायकों की टिकट काट दी है। ऐसे में शेष बची 12 सीटों के प्रत्याशियों को दिन और रात डर सता रहा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर जिले की एक सीट को छोड़कर बाकी सभी सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। बहुचर्चित उत्तर विधानसभा सीट पर प्रत्याशी घोषणा का पेच अटका हुआ है। इस विधानसभा में भाजपा के कई बड़े चेहरे टिकट की मांग को लेकर दावेदारी कर रहे हैं। इस विधानसभा के पूर्व सिटिंग विधायक श्रीचंद सुंदरानी भी टिकट की होड़ में हैं। क्लिपर 28 की टीम ने श्रीचंद सुंदरानी से चर्चा की। श्रीचंद ने उत्तर विधानसभा के प्रत्याशी की घोषणा नहीं होने के सवाल पर कहा कि अभी उत्तर विधानसभा के साथ 12 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान बाकी है, पार्टी ने सोच समझ कर कुछ निर्णय लिया होगा। वहीं टिकट मिलने या कटने के सवाल पर श्रीचंद सुंदरानी ने कहा कि पार्टी का जो आदेश होगा वो उन्हें सर्वमान्य है। फिलहाल पार्टी शीघ्र शेष बची सीटों पर भी प्रत्याशियों की घोषणा की बात कर रही है। ऐसे में इन शेष बची सीटों के दावेदार भगवान को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं। रायपुर जिले की सभी विधानसभा सीटों पर इस वक्त प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है, लेकिन उत्तर विधानसभा एक ऐसी सीट है जहां पर अभी भी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई है। तो आखिर क्या वजह मानते हैं क्यों यहां पर अभी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई? नहीं, शीघ्र हो जाएगी घोषणा, पार्टी निर्णय लेगी। स्वाभाविक है, प्रदेश की 12 विधानसभा सीटों पर अभी उम्मीदवार तय होने हैं, जिसमें एक उत्तर भी है। लगातार पार्टी में प्रत्याशियों की टिकट कटने के बाद हंगामों का दौर शुरू हो गया, बगावत शुरू हो गए हैं। इसी क्रम में अभी भाजपा कार्यालय में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, स्वाभाविक है, प्रजातांत्रिक दल है, अपनी बात रखने का एक माध्यम है, रखते हैं। लेकिन पार्टी ने जो तय किया है प्रदेश के हित में और उन विधानसभा क्षेत्रों के हित में निर्णय लिया। ऐसी बातें भी निकल कर आ रही हैं कि लगातार अभी आप सिंधी समाज लगातार बैठके कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आक्रोश दिखाई पड़ रहा है कि अगर टिकट कटती है तो उनमें सिंधी समाज में काफ़ी आक्रोश है, तो इसको कैसे देखते हैं? सब अपने आप समय से ठीक हो जाता है। अगर उत्तर विधानसभा में संजय श्रीवास्तव जी भी दावेदारी कर रहे हैं, अगर उनको टिकट मिलती है और आपको टिकट कटती है, तो ऐसे में आप क्या रुख अपनाएंगे? देखिए, पार्टी जो आदेश करेगी उस पर निर्णय। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.